साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। पहले वाले वीडियो हमने पढ़ा था तत्व क्या या किसे कहते हैं, तो एक ही प्रकार की परमाणु को जो व्यक्त करता है उसे तत्व या एलिमेंट कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अणु क्या है। पहले वाले वीडियो हमने ये भी पढ़ा था कि पदार्थ की इकाई परमाणु होता है, तो परमाणु के समूह का जब निर्माण होता है तो अणु, यौगिक या पदार्थों का निर्माण होता है। समान या भिन्न प्रकार की परमाणु का समूह या मोलेकुल कहलाता है। परमाणु का ऐसा समूह जिसमें समान प्रकार के तत्व भी हो सकते हैं या भिन्न प्रकार के तत्व भी हो सकते हैं। परमाणुओं के समूह के बीच में रासायनिक बंध उपस्थित होता है, उसी बंध के कारण परमाणु का समूह बनता है और उसी समूह को हम अणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का अणु, एक ऑक्सीजन के अणु में दो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ये भी ऑक्सीजन का परमाणु है और ये भी ऑक्सीजन का परमाणु है। दोनों के बीच में रासायनिक बंध के कारण दोनों संयोग होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और एक समान प्रकार की परमाणु का समूह बनता है। समान का मतलब इस अणु के अंदर दो परमाणु हैं, दोनों ही ऑक्सीजन से। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का अणु, इस अणु के अंदर दो परमाणु हैं और दोनों ही नाइट्रोजन के हैं। दोनों के बीच में रासायनिक बंध बनने के कारण संयोग होकर के परमाणु का समूह बन गया। ये दोनों ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन समान प्रकार की परमाणु के समूह हैं, लेकिन अणु भिन्न प्रकार के परमाणु का समूह भी हो सकता है। जैसे H2O, जल के एक अणु में कुल तीन परमाणु होते हैं, तीन में से दो हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु। ऑक्सीजन के परमाणु के दोनों ओर दो हाइड्रोजन के परमाणु का संयोग होता है रासायनिक बंध के द्वारा और H2O एक भिन्न प्रकार की परमाणु का समूह से जल का अणु बनता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि समान या भिन्न प्रकार की परमाणु का समूह बनता है रासायनिक बंध के द्वारा, उसे ही हम मोलेकुल या अणु कहते हैं। आगे देखते हैं, कुछ बिंदु हैं अणुओं के। अणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। जैसे मैंने एक ये जगह बनाई, पर्यावरण या वातावरण पढ़ते हैं, कोई भी भाग हो सकता है, इसमें कुछ में अणु बना रहा, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के हैं। स्वतंत्र अवस्था का मतलब है एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र रहता है, किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, ये मुक्त अवस्था में रहते हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, क्योंकि परमाणु के गुणधर्म के अनुसार जितने बंध बनाने थे उतने ये परमाणु के साथ में बनाकर के एक समूह बन गया निश्चित। अब ये किसी भी परमाणु के साथ में संयोग नहीं करेगा, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। सभी यौगिक अणु होते हैं, परंतु सभी अणु यौगिक नहीं होते। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं,
अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेते हैं जब तक कोई अभिक्रिया नहीं करवाए जाए। नेक्स्ट बिंदु आता है परमाणुता किसे कहते हैं। किसी अणु में उपस्थित तत्व या परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। जैसे H2O एक जल का अणु है, ये जल का अणु दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन का परमाणु दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु। तो एक अणु के अंदर कितने प्रकार के परमाणु हैं और वो कितनी कितनी संख्या में, वही उस अणु की परमाणुता कहलाता है। जैसे दो में से देखते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो संख्या में कितने हैं, वो संख्या में दो हैं। तो जल के अणु में हाइड्रोजन की परमाणुता दो हो गई। उसी तरह जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या एक है तो हम कह सकते हैं कि जल के अणु में उपस्थित ऑक्सीजन की परमाणुता एक। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जल के अणु में कुल कितनी परमाणुता है, मतलब इस अणु में कुल कितने परमाणु हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो हाइड्रोजन के प्लस एक ऑक्सीजन का, कुल इसमें तीन परमाणु हैं। तो किसी भी अणु के अंदर कितने प्रकार के परमाणु हैं और वो कितनी कितनी संख्या में, वही उस अणु की परमाणुता कहलाता है। टॉपिक का अध्ययन करने के बाद में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपको जरूर हल करना है। जैसे कोई दो अणु के उदाहरण आपको बताना है। परमाणुता किसे कहते हैं, ऑक्सीजन में कितनी परमाणुता है यह आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में किससे मिलते हैं। धन्यवाद।